अगर आप भी एक ट्यूब में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ले लिए, तो फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आपका एडमिशन हो सकता है कैंसिल। बीटेक सॉरी एक ट्यूब के, बी फार्मा और बीटेक सभी छात्रों के लिए, और खासकर के एमबीए बी फार्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सभी कॉलेजों को और सभी छात्रों को दोनों एक ट्यूब ने दो नोटिफिकेशन जारी किया। एक तो ये है कि ऑनलाइन यहाँ पे अनिवार्य ऑनलाइन पीआई रिपोर्टिंग हेतु लॉगिन के संबंध में एक तो नोटिस जारी किया, उसके अलावा एक नोटिस और है। पहले इसको देख लीजिए, यूपीटीएससी जो काउंसलिंग हो रही है उसको लेकर एक ट्यू ने जो है नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग प्रक्रिया समय सारणी के राउंड थ्री में आपको पता है उल्लिखित नियम मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड थ्री, ठीक है, के तहत यहाँ पे के अनुसार किया जाएगा। ऐसे सभी राउंड थ्री की जो सीटें हैं राउंड फोर में खाली मानी जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जो जिनकी पीआई रिपोर्टिंग समय नहीं की गई हो, यानी आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा, नहीं तो फिर आपकी वो सीट जो है खाली मानकर दूसरा नेक्स्ट राउंड में उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। और ज्ञातव्य हो कि राउंड थ्री और राउंड फोर दोनों में पीआई रिपोर्टिंग अनिवार्य है, और अतएव संस्थान समय सारणी में दिए गए कार्यक्रम अनुसार ससमय ऑनलाइन आपको पीआई रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें। और पीआई रिपोर्टिंग है तो समय संस्थानों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले भेज दिए गए, यानी कि ट्यू ने लॉगिन आईडी पासवर्ड संस्थानों कॉलेजों को भेज दिया। यदि किसी संस्थान को अभी तक जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो फिर इन्होंने दो मेल आईडी दे रखी है, एक तो UPTACOffice@ECU.ac.in पर मेल करके आप ले सकते हैं, या फिर UPTACOffice@ECU.ac.in पर आप जो है मेल पे गए। दो मेल आईडी रखी इन्होंने दी है, दोनों मेल आईडी पे भेज करके आप आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, कॉलेजों को इन्होंने निर्देशित किया। उसके अलावा छात्रों को क्या कहा है कि आप लोगों की ऑनलाइन पीआई रिपोर्टिंग करना अनिवार्य रहे, अदरवाइज आपकी जो है सीट को खाली मानकर दोबारा एडमिशन दे दिया जाएगा नेक्स्ट राउंड में। और जो दूसरा सर्कुलर इसमें मेंशन है कि संस्थान परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी और मैनेजमेंट यानी कि एमबीए और बी फार्मा स्टडीज लखनऊ में सत्र 2022-23 में 22-23 में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर पठन पाठन संचालित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय की वित्त समिति तथा माननीय कार्य परिषद के अनुमोदन प्राप्त बी फार्मा पाठ्यक्रम में 100 सीट तथा मैनेजमेंट स्टडीज में 60 सीट केवल सन 2022-23 पर प्रवेश एवं अन्य औपचारिकता पूर्ण किया जाना है। अतः कृपया उक्त स्वागत होती है संबंधित किससे अपेक्षा है कि यानी लखनऊ में जो है 2022-23 में बी फार्मा और एमबीए के छात्रों के लिए 100 सीट जो है फार्मेसी वालों के लिए और 60 सीट उनके लिए जो है खाली है, यानी कि वहाँ पे एडमिशन करवाया जाना है, ठीक है, उसकी जो प्रक्रियाएँ करवानी है उसको लेकर इसमें नोटिस जारी किया। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं या फिर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ कि अगर आपने एडमिशन लिया, काउंसलिंग करवा रहे हैं थर्ड राउंड की, तो पीआई रिपोर्टिंग अनिवार्य है थर्ड और फोर्थ राउंड की, अदरवाइज़ आपकी सीट जो है खाली मान के दोबारा एडमिशन दे दी जाएगी दूसरे स्टूडेंट को, और आपकी फ़ीस जो है वो भी रिटर्न नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग ज़रूर रिपोर्टिंग करें, कोई डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या फिर कोई अदर टॉपिक्स है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं वीडियोज़ पर आपको।